पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने के बाद कोलकाता में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश का सभी दल विरोध करें। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री अतिशी, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है, हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो शक्तियाँ ही नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पूरे देश में सरकारों को परेशान किया जा रहा है। इधर ममता बनर्जी ने भी कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ सभी दल एकजुट होकर के आए, हमारी पार्टी भी ऑर्डिनेंस का खुला तौर पर विरोध करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2015 में पहली बार सरकार के बनते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली सरकार की पावर छीन ली थी। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब फिर से उसे पलट दिया, वो भी तब जब कोर्ट छुट्टी पर गई है। राज्यसभा में दीदी ममता बनर्जी ने कहा है कि वो हमारा समर्थन करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा, हम तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देश को बचा सकता है। हम लोगों ने आपस में बातचीत की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है उसका विरोध करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी पार्टी से अपील करती हूँ कि अगर हम सब लोग एक साथ हो सकते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और ऑर्डिनेंस चला जाएगा। हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि हम ऑर्डिनेंस का खुले तौर पर विरोध करेंगे। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल्ली के लोगों ने 8 साल तक संघर्ष किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया एक हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। कुल मिलाकर के कि दिल्ली में पावर किसकी चलेगी इसको लेकर के अभी तक लड़ाई जारी है और यही कारण है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश ला करके इस मामले पर एक बार फिर से दिल्ली सरकार की पावर को रोक दिया गया है, उसी के नाते से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस मामले को हल किया जाए। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, दिल्ली की जनता जीत गई, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का एक हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया और उस दिन पलटा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे जा रहा था। इसका मतलब इनके दिल में काला था, इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो अगले दिन उसके ऊपर स्टे लग जाता, तो इनका ऑर्डिनेंस गलत है। इन लोगों ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है, यहाँ भी 3 तरीके से ये चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक पहली चीज कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ ये MLA खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ ये ED और CBI को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के MLAs को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। वीडियो डेस kamarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।